So people, it's day 2 at Netrhart and now it's morning और टाइम हो रहा है अभी 6 बजे एंड वी आर लीविंग फॉर द व्यू पॉइंट, सनराइज व्यू पॉइंट एक्चुअली. और हम पहले यहाँ पे गाड़ी को निकालते हैं एंड देन विल हेड टूवर्ड्स द व्यू पॉइंट. सी यू देयर. सो पीपल, वी लेफ्ट फ्रॉम द होटल रूम एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सनराइज पॉइंट. एंड काफ़ी सही सा फॉग रहा है यहाँ पे मॉर्निंग में, इतना ऑसम सा व्यू लग रहा है. कैमरे पे क्लियर दिख रहा होगा यानी फॉग, लेकिन काफ़ी सही सा लग रहा है. एक्चुअली हमें रास्ता नहीं पता है, वेयर आर वी हेडिंग, जाना कहाँ पता ही नहीं है. सो पीपल, हम रास्ते पे जा रहे थे सनराइज व्यू पॉइंट के लिए और हमने ये लोकेशन एक्सप्लोर करा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सही से लोकेशन लग रहा है. पूरी की पूरी ये फॉग से घिरा हुआ है और कुछ आगे दिख नहीं रहा है सही से, और हमें रास्ते भी नहीं पता हमें जाना कहाँ है, और हमने मैप्स भी नहीं चेक करा था कि रास्ते में किस वाले रास्ते को पकड़कर हमें वो सनराइज पॉइंट पे जाना है. सो अब हम फिर से बस एक्सप्लोर करते हुए वो प्लेस को पहुँचना चाहते हैं बिफोर टाइम. एक्चुअली सनराइज होने का टाइम हो चला है क्योंकि 6 बजने को है. सो या एंड फाइनली यू नो, जिसके लिए जिस मोटिव से हम आए थे कि फॉग हमें दिखना था, वो हमें फाइनली दिख गया. एंड बिहाइंड द कैमरा इज द पाइन फॉरेस्ट और बहुत सही सा ये ट्रेल लग रहा है. पता नहीं आपको क्लियर दिखेगा या नहीं क्योंकि ये फॉग की वजह से थोड़ा सा छुप सा गया है. बहुत सही लग रहा है पर लोकेशन. सो या अब आगे चलते हैं एंड चलते हैं सनराइज पॉइंट की तरफ. लेट्स गो. से निकल चले हैं सनराइज व्यू पॉइंट की तरफ, विच इज़ एक्चुअली कोयल व्यू पॉइंट. और ये रहा ये पाइन फॉरेस्ट ट्री, इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, मतलब सबसे डिफरेंट ट्री है झारखंड में स्पेशली, और इसी के लिए ये फेमस है. तो जाना दिस साइड है कोयल व्यू पॉइंट, दिस साइड राइट साइड पर 0.75. होपफुली विल मेक इट बिफोर सनराइज. साइड के तो काफ़ी सारा मतलब ट्रीज है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ इकलिप्टस ट्री, साल, महुआ, मतलब एवरीथिंग, सारे के सारे तरह के ट्रीज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. और वो वाला लोकेशन तो काफ़ी सही सा लग रहा है. चलो उससे देखते हैं. लुक एट दिस व्यू मैन, दिस इज सीरियसली हेवन ऑफ छोटा नागपुर. वाओ, दिस इज सो होलसम, कितना ऑसम लग रहा है. इसीलिए तो हम यहाँ आए थे एक्चुअल में, बस इसी के लिए. एंड दिस इज रियली वर्थ इट. अब यहाँ से हम राइट लेकर जा रहे हैं. अच्छा, वो मेंशन किया हुआ है मतलब जाना किस साइड है, वरना हम कहाँ चले जा रहे थे कुछ पता ही नहीं चलता. दिस इज सो एपिक लग रहा है ना, जैसे हम सच में हेवन पहुँच गए. गाइस, हम सनराइज पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, बट हमने ये डिसाइड करा कि पहले हम इस वाले रास्ते को लेकर पाइन फॉरेस्ट वाली जो ट्रीज है यहाँ पे, पाइन ट्री, इसके यहाँ पे आते हैं पहले, क्योंकि हमें एक्चुअल में फॉग वाली वीडियो शूट करनी है. एंड दिस इज़ फॉर व्हाट वी आर हियर फॉर. अब यहाँ तक फाइनली पहुँच ही चुके हैं, सो पहले वीडियो शूट कर लेते हैं. ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ फॉग कम होते जा रहा है, मतलब ऐसा मत करो भाई, इसी के लिए यहाँ आए हुए. दिस इज सो कूल. साथ में हमें ये मिल गया, कितना ऑसम सा, मतलब पहली बार मैंने ये ट्री को देखा है. भले रांची में होगी बट देखो ये उसका फ्रूट आई थिंक, या फिर कुछ होगा, बट सही है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. कैसे हमें ये मिल गया. बस सबसे प्यारा मुझे इस टाइम के लिए ये लग रहा है यहाँ पे फॉग रहा है. दिस इज सो अमेजिंग, देखो ना यार कितना सारा है. Thank you.
गाइज दिस इज इट फॉर दिस मॉर्निंग टाइम. अब हम यहाँ से नेक्स्ट जाते हैं, कोई दूसरी प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं. सो पहले अब यहाँ पे थोड़ी सी फोटो शूट कर लेते हैं फॉर आर इंस्टाग्राम और देन विल क्विकली हेड टुवर्ड्स अनदर लोकेशन. एंड या सो गाइज हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर ली है और हम जा रहे हैं अब थोड़ी सी हमें हाइक करना होगा और अपर घाघरी वाटरफॉल्स के पास हम पहुँच जाएंगे. मैंने यहाँ काफ़ी सारी ट्रीज देखी है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की. एक तो मुझे वो जीवन पत्ता वो वाला ट्री दिखा जो कि हमारे साइड पे काफ़ी छोटा छोटा हुआ करता था और इस तरफ एकदम ह्यूज ट्रीज वैसा टाइप का मुझे दिखा. और साल का हो गया, सखुआ हो गया एंड वही पाइन ट्री जो बताया वो हो गया. अब हम चलते हैं पहले फॉल के पास. अब यहाँ पे हम छोटा सा हाइक करते हुए नीचे जा रहे हैं. जो सीत पानी है ना उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी हो रखा है, इस वजह से थोड़ी केयरफुली हमें यहाँ से चलना पड़ेगा. तो नीचे भी देख लेना, नहीं तो पता चला स्लिप हो गए. पानी पूरा प्योर ग्रीन दिख रहा है. ओह लुक एट दैट, ये अपर घाघरी वाटरफॉल्स. छोटू सा वाटरफॉल है, क्यूट सा है. सो गाइज हम फाइनली अपर घाघरी वाटरफॉल से निकल गए हैं एंड वी आर ऑन रूट लोअर घाघरी वाटरफॉल्स जो कि आई थिंक कितना किलोमीटर्स होगा, 9 किलोमीटर्स होगा मैप में हमने देखी थी. और यहाँ पे सबसे ख़राब बात ये चीज़ है कि नेटवर्क बहुत ही लो है, स्लो है एंड इसके वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी लोकेशन को सर्च करने के लिए. एंड किसी तरह फाइनली हम सर्च करें और फिर बोर्ड्स भी लगी हुई है कहीं पर कि कितने किलोमीटर्स हम जाते हैं लोअर घाघरी वाटरफॉल्स. तो फिर चलते हैं, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स हम वहाँ पहुँच जाएंगे. सो सी यू देयर. रोड टू लोअर घाघरी ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, रोड यहाँ पर बना ही नहीं है.
शायद से मैं फिर दोबारा इस जगह पे आऊँ भी ना, आना भी ना चाहूँ। नज़ारा बहुत ख़राब था। चलो थोड़ा सा ये वाले प्लेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं, आगे से ही चलते हैं। सो गाइज, आई एम करेंटली लीविंग, क्योंकि बाकी लोग जो आए हुए वो कार से या फिर बाइक से, उनके पास तो वो आराम से मतलब ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, और हमारी स्कूटी है। सो इस वजह से हम जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो मॉर्निंग से निकले बाहर, ऊपर से विदाउट ब्रेकफास्ट किए हुए हम ऐसे इतने दूर तक आ गए, सोचे नहीं थे इतना ज़्यादा दूर होगा। एंड सबसे ख़राब बात तो मुझे यहाँ के रास्ते लगे, और दोबारा मैं कभी यहाँ पे आना नहीं चाहूँगी, सच बता रहे। सो अब चल रहे स्कूटी के पास, एंड उसके बाद हम निकलते हैं वापस से, होटल चलते हैं, एंड उसके बाद फिर कुछ ब्रेकफास्ट देखते हैं। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं लोकल मार्केट में, नेत्रहाट के लोकल मार्केट में, और ये वाली जो स्टॉल है, फूड स्टॉल, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रोटी प्रोवाइडेड है, और कल डिनर के लिए हमने रोटी और अंडा भुजिया पैक करवाया था, अभी हम लंच के लिए रोटी और अंडा करी हम पैक करवा रहे हैं। एंड मतलब ऐसा है कि होटल के जो फूडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इस वजह से हम ये सोच रहे थे कि यहाँ आसपास कहीं पे ऐसा छोटा वसा स्टॉल मिल जाए, तो हमें मिल गया। अब हम यहाँ से लंच डिनर वगैरह जितना भी है सारा चीज़ हम यहीं से कर रहे हैं। सो आपको अगर जैसा भी फील हो, आपके ऊपर है, वो होटल हो या फिर आप ऐसे लोकल फूडिंग भी आप कर सकते हो, खा सकते हो। गाइज, यहाँ की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ से आप चिकन मतलब कि परचेज़ कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आप देकर उन्हें बोल सकते हो कि आप कुक कर दो, और इनकी चार्जेस है, जैसे कि आप 100 ग्राम चिकन के 15 रुपीज़ ये कुक करने के चार्ज लेते हैं, क्योंकि गैस लगाना होता है इन्हें, अपना मसाला तेल ऑयल ये सब सारा ये अपना देते हैं, इस वजह से वो चार्ज करते हैं इस चीज़ का।